हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक डाउट है AIIB 18 कैंडिडेट्स को, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रेशर हैं। तो एक कमेंट मैंने देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या हम लोग जो हैं एग्ज़ाम सेंटर पर अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आप लोग जो है इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो या नहीं, या फिर सिर्फ बुक्स या फिर सिर्फ बैरक्स। तो गाइस, ये जो डाउट है एक्चुअली उन कैंडिडेट्स के द्वारा अराइज़ किया गया है जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने आज से पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है AIIB का, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप सभी को सजेस्ट कर दूँ, तो गाइस आप लोग जो है इंटरनेट एक्सेस को या फिर बेरैक्स को या फिर बुक्स को लेकर अपना इनके ऊपर डिपेंड मत रहिए। जितना प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो अपना खुद से ही बुक्स के थ्रू, बेरैक्स के थ्रू, तो गाइस अपना उतना कर लीजिए। बिकॉज एग्ज़ाम में जो है इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग सर्चिंग करो कि बेरैक्स में कौन सा सेक्शन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो, टाइम होता है इतना, बट सभी आप लोग एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो गाइस, रही बात इंटरनेट की, तो गाइस ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसमें इंटरनेट का यूज़ आप लोगों को करने दिया जाए। तो इस एग्ज़ाम में भी आप लोग, ये नहीं है कि अब वो लोग आप लोगों को बैरक्स अलाउड कर रहे हैं तो आप लोग इंटरनेट का भी यूज़ करोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं मोबाइल फ़ोन्स ले जाने की। देखिए गाइस, अगर वहाँ पर सेंटर पर चेकिंग करते हैं टीचर्स, तो गाइस अगर आप लोगों के ऊपर फिर वो अगर उन्होंने चेक कर लिया, उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा, इससे आप लोगों का ही नुकसान है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ वहीं उसी के भरोसे जाओ। बैरक्स आप लोग अगर लेकर के जा रहे हो, ऑलरेडी बैरक्स तो अलाउड हैं, बुक्स अलाउड नहीं हैं। तो गाइज, अगर आप लोग बैरक्स अपनी लेकर के जा रहे हो, तो ये नहीं है कि सब कुछ आप लोगों ने अपना बैरक्स के ऊपर ही डिपेंड हो गई। आप लोगों ने कुछ स्टडी ही नहीं किया है, बिना पढ़े ही आप लोग एग्ज़ाम देना। थोड़ा बहुत पढ़ा है बट इतना नहीं पढ़ा है कि आप लोग पास हो जाओ और ये सोच रहे हो कि बैरक्स तो हैं ही, ओपन बुक एग्ज़ाम तो है ही, तो हम लोग बैरक्स से कर लेंगे। तो गाइज प्लीज़, अगर आप लोगों की ऐसी थिंकिंग अभी से ही बन गई है तो कोई फ़ायदा एग्ज़ाम देने का नहीं है। बिकॉज आप लोग रिस्क में हो और एटलीस्ट इतनी फ़ीस आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए पे कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए जाइए, आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। उसी से आप लोगों का फ़ायदा है। देखिए, नॉलेज गेन करना कोई बुरी बात नहीं होती है। जितना आप लोग समझोगे, जितने आप लोग सेक्शंस करोगे, जितने स्टडी करोगे, वो आपके लिए ही अच्छा है, किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। और एक दूसरे के साथ अपना डिस्कशन करोगे तो उससे जो है आप लोगों की ही नॉलेज इंक्रीज़ होती है। तो गाइज, अपना जो है प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। और कोई इंटरनेट आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेगा, कोई मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर आप लोगों को अलाउड नहीं होंगे, तो प्लीज़ अपना इसके भरोसे मत रहिए। सिर्फ बैरक्स वहाँ पर अलाउड होंगी, इस पर भी अभी फाइनल डिसीजन आना है, बट फिलहाल बैरक्स आप लोगों की अलाउड हैं। सो अपना, और यही लास्ट में आप लोगों का सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी बैरक्स पर फोकस कीजिए। जितने भी सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को, जो भी लगता है उन पर कीजिए, और एक केस लॉ उसकी हम सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टिल अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, तो गाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपनी क्वेरीज को आप लोग शेयर कर सकते हो। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।